नाजरीन अदा, अब उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं रजिया सुल्ताना, आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खास खबरों पर। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज नवादा में रोड शो करके इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। शारण में इंतखाबी तशहीर के लिए निकली आरजेडी लीडर रोहिणी आचार्य ने रोजगार फाका और महंगाई पर हुकूमत को घेरा। मेरा वोट मेरा हक के तहत पूर्णिया में पहली बार हक के राय दही का इस्तेमाल करने जा रहे नौजवान वोटरों में जोश नजर आया। और लोक आस्था का महापर्व चैती छठ का चार रोजा अनुष्ठान आज नहाए खाए के साथ शुरू। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला नीतीश कुमार आज नालंदा में रोड शो करते हुए इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। वज़ीर आला नीतीश कुमार रथ के जरिए पटना से नालंदा पहुंचे। इस दौरान बिहार शरीफ में उन्होंने रोड शो किया। कसीर तादाद में जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कारकुन मौजूद रहे और वज़ीर आला जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने निश्चय रथ के ऊपर सवार होकर हाथ हिलाते हुए लोगों को शुक्रिया अदा किया। इस दौरान जनता दल यू के उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार की हिमायत में उन्होंने वोटरों से वोट करने की अपील की। नालंदा है जो 20 मार्च का गिरह जिला है, बाहर के ही प्रत्याशी आते हैं चले जाते हैं, यहाँ के लोग भी होशियार है, बाहर वाले से आते हैं उनको चारा चरने नहीं देते हैं बल्कि खाली पेट हजार। लोकसभा इंतखाबात का बिगुल बजते ही खेमा बदलने का मरहला भी शुरू हो गया है। अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रियासत के पसमानदा तरीन बिरादरियों को भी अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं। मशरकी चंपारण में राष्ट्रीय जनता दल के कई लीडर और कारकुन भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी लीडर राधा मोहन सिंह ने सबको रुकनियत दिलाई। इस मौका पर तकरीब करते हुए खिताब करते हुए राधा मोहन सिंह ने कहा कि अगर इंतहाई पसमानदा समाज को मजबूत बनाना होगा तो पीएम मोदी को मजबूत करना होगा। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के इंतहाई पसमानदा सेल के साबिक जिला सदर शिवलाल सहनी ने अपनी पीएम मोदी के कामों की तारीफ की। वो आम लोगों के घर में देने का काम मोदी ने काम किया। जनता पार्टी ने अति पिछड़ा के बेटा को देश का प्रधानमंत्री बनाया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत देने का काम किया है, उसको बुलाया नहीं जा सकता। सारण में इंतखाबी मुहिम के लिए निकली आरजेडी लीडर रोहिणी आचार्य ने रोजगार फाका और महंगाई के लिए हुकूमत पर सवाल उठाते हुए कहा कि सहाफियों से बात की और कहा कि रोजगार और महंगाई पर कोई बहस नहीं हो रही है, हुकूमत को उन मसाइल पर बात करनी चाहिए। रोजगार बेरोजगारी पे तो कोई मतलब बहस ही नहीं हो रहा है कि क्या रोजगार के लिए लोग ये काम कर रहे हैं। बेरोजगारी इतना, भूखमरी, महंगाई इतना हो रहा, उस सब विषय पे बात उनको करना ही चाहिए। चलिए अपना हिसाब किताब वो जनता के बीच में लेके जाएं, दे जनता को। मेरा वोट मेरा हक के तहत पूर्णिया में पहली बार अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करने वाले नौजवान वोटरों में जोशो खरोश देखा जा रहा है। नौजवान वोटर्स का कहना है कि मेरा पहला वोट उनको ही जाएगा जिनके लिए ख्वातीन की बेहतरी और मुल्क की तरक्की अव्वलीन तरजीह होगी। मानना है कि जो भी मैं लोकतंत्र में चुनूं वो अच्छा से काम करे। बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि हम लोग पहली बार वोट दे रहे हैं। 18 वर्ष पे हम लोग इस बार पहली बार हम लोग की इस बार मौका मिला है कि अपना सरकार खुद चुने। इस बार मैं पहली बार वोट करने जा रहा हूं और अपने विवेक से पहली बार एक अच्छे सरकार चुनूंगा। हम लोग पहली बार मतदान कर रहे हैं जिसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो हम लोग जो सरकार बने एक मजबूत सरकार बने। सहरसा में इस बार लोकसभा इंतखाब ख्वातीन के लिए खास होने वाला है। इसके लिए
न सिर्फ इंतजामिया पूरी तरह तैयार है बल्कि आम ख्वातीन वोटर और ख्वातीन मुलाजमीन भी जोशो खरोश नजर देखा जा रहा है। दरअसल इलेक्शन कमीशन का हुक्म है कि इस बार पिंक बूथ ख्वातीन के जरिए ही चलाया जाएगा, इसलिए इलेक्शन कमीशन के इस हिदायत पर अमल करते हुए ख्वातीन प्रेजाइडिंग अफसरान को खसूसी तरबियत दी जा रही है। तो ये जहाँ भी बूथ मतदान करवाएंगी तो निसंदेह महिला सब की भागीदारी भी बढ़ेगी और महिलाएं यहाँ संकोच जो पहले नहीं आ पाती थी, जहाँ पुरुष मतदान कर्मी होते थे तो वहाँ नहीं जा पाती थी कुछ घूम, जहाँ महिला बूथ बनेगा और महिला मतदान कर्मी होंगी तो निसंदेह वहाँ पे महिला की भागीदारी बढ़ेगी। हम लोगों ने राज्य निर्वाचन निर्वाचन आयोग के द्वारा इस बार डायरेक्शंस दिए गए हैं कि महिलाओं के कर्मियों के द्वारा पिंक बूथ का निर्माण किया जाना है। इसके लिए हम लोगों ने आज महिला प्रशासन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया और इस बार हम लोगों ने कोशिश किया है कि पीपीटी के माध्यम से स्मार्ट टीवी पर दें ताकि ये ऑडियो और विजुअल दोनों माध्यम से देख सकें और सीख सकें। साथ ही साथ ईवीएम हरेक पीठासीन पदाधिकारी को ईवीएम हैंडलिंग के लिए हम लोगों ने विशेष व्यवस्था किया। कटिहार जिला के मनिहारी ब्लॉक में एक मुनफरिद झील गोगा बिल वाके है। ये सैकड़ों गैर मुकिम परिंदों की पनाहगाह है। तकरीबन 300 अकसाम के गैर मुकिम परिंदे यहाँ पर हर साल आते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कटिहार जिले की प्रसिद्ध गोगा बिल झील में प्रवासी पक्षियों की एसीआई जल पक्षी गणना का कार्यक्रम वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार द्वारा संचालित किया गया। पक्षी गणना मंदार नेचर क्लब भागलपुर के संस्थापक अरविंद मिश्र के नेतृत्व में की गई। पक्षी विशेषज्ञ अरविंद मिश्रा ने बताया कि पक्षियों के लिए बिहार के एकमात्र कम्युनिटी रिजर्व ऑफ कंजर्वेशन रिजर्व गोगा बिल झील में प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में प्रवासी और देशी पक्षियों का कलरव हुआ करता है। गर्मियां शुरू होते ही प्रवासी पक्षी अपने मूल निवास की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गोगा बिल बिहार का एकमात्र ऐसा पक्षियों के लिए मनोरम और अद्भुत स्थल है जहां शाबाज टिट्टी यानी नॉर्दर्न लैपविंग का झुंड बस यहीं दिखाई देता है। इसके अलावा कवारी भुजा यानी ग्लॉसी आइविस यहां सैकड़ों की संख्या में उनके झुंड को देखा जा सकता है। इसी गोगा बिल में बस एकमात्र बिहार में मैंने ललमुनिया यानी रेड अवाडावर पक्षी को देखा था। गोगा बिल में लगभग 150 प्रजाति के पक्षी मिलते हैं और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का समुदाय, स्थानीय समुदाय इसके संरक्षण के लिए एनजीओ से और वन विभाग से मिलकर यहाँ इसके लिए हमेशा तत्पर रहता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पर्यावरण विशेषज्ञ प्रोफेसर टीएन तारक ने बताया कि ठंड का मौसम शुरू होते ही नवंबर से विदेशी पक्षी आने लगते हैं और गर्मी का मौसम शुरू होते ही ये सभी विदेशी पक्षी अपने घरों को लौटने लगते हैं। यहाँ साइबेरियन, मंगोलिया जैसे अन्य देशों से सैकड़ों प्रजाति के पक्षी प्रवास करने आते हैं। इसमें हमेशा पानी लगा रहा था, इसको जिंदा झील हम लोग कहते हैं। ये इसलिए इस पानी हमेशा लगा रहने के कारण इसको रिजर्व कंजर्वेटिव के रूप में एक्सेप्ट किया गया बिहार सरकार के द्वारा। इसमें लगभग 200 से 250 माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक आती हैं और रहती हैं। इस महीने में आने का इसका मुख्य कारण है यह समय उन चिड़ियों के लिए प्रजनन के लिए सबसे सूटेबल जगह समय माना जाता है। गोगा बिल झील एक ओर गंगा नदी से तो दूसरी ओर महानंदा नदी से घिरी है। प्राकृतिक खूबसूरती के कारण झील विदेशी पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कटिहार से रंजन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ का चार रोजा अनुष्ठान आज नहाए खाए के साथ शुरू हुआ। व्रती पहले दिन आज अरवा चावल,
चने की दाल और कद्दू की सब्जी बनाकर प्रसाद के तौर पर ले रहे हैं। चैती छठ के दूसरे दिन कल खरना का अनुष्ठान होगा। छठ व्रती तीसरे दिन इतवार को गुरुवे आफ्ताब को अर्घ देंगे, जबकि चौथे दिन सोमवार को तुलुए आफ्ताब को अर्घ देने के साथ ही महापर्व छठ का अख्तिताम होगा। राजधानी पटना समेत रियासत भर में छठ त्यौहार मनाया जा रहा है। पूरा माहौल छठ की गीतों से गूंज रहा है। इसके साथ ही छठ घाटों पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा छठ व्रतियों की सहूलियत के लिए भी कई इकदाम किए गए हैं। कितनी आस्था से करती हैं? बहुत आस्था। मेरा बेटा का मन्नत था, बेटा का मन्नत था, बेटा हो गया, उसी के चलते हम 5 साल गच्छे थे, 5 साल करना है छठी में। बहुत खुशहाली रहेगा। औरंगाबाद जिले के तारीखी और मजहबी मकाम देव में चार रोजा चैती छठ मेला आज से शुरू हो रहा है। सब डिवीजनल अफसर संतन कुमार सिंह ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट श्रीकांत शास्त्री की हिदायत में देव चिश्ती छठ मेले में आने वाले अकीदत मंदों और छठ भक्तों के लिए पीने के पानी, बिजली, सेहत, ट्रैफिक, सिक्योरिटी वगैरह के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेले में अमनो आमान बरकरार रखने के लिए मजिस्ट्रेट की क़यादत में मुख्तलिफ मकामात मसले जवानों को तैनात किया जा रहा है। चैती छठ व्रत के मौके पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देव छठ मेले में रियासत के कोने कोने से अकीदतमंद और व्रती आते हैं। देव में जैसा कि आप जानते हैं भगवान भास्कर के मंदिर के प्रांगण और उसके आसपास के इलाके में चैती छठ के अवसर पे भारी भीड़ रहती है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से एक समीक्षात्मक बैठक हुई है। उनके निर्देश के आलोक में मैंने भी कल एक लंबी मीटिंग की है। उसमें सारे अधिकारी जिनको काम करना है और सारे हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमने कल बुलाया था। हमारी विस्तृत तैयारी है। निर्वाचन कार्य में संलग्न होने के बावजूद हम चैती छठ के में पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, लोगों को सुविधा देंगे, पेयजल, शौचालय, बैरिकेडिंग, हमारा जो पार्किंग, इन सब की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी और हम सुरक्षा व्यवस्था के सारे मानदंडों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। नवरात्र के चौथे दिन आज देवी के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। कुष्मांडा देवी दैव शक्ति का स्वरूप मानी जाती है। देवी कुष्मांडा का निजाम शमसी का वसीत और माना जाता है। समझा जाता है कि देवी का तेज ही दुनिया को ताकत और रोशनी अता करती है। पूरी रियासत में देवी कुष्मांडा की अकीदत के साथ ही पूजा की जा रही है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज नवादा में रोड शो करके इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। सारण में इंतखाबी तशहीर के लिए निकली आरजेडी लीडर रोहिणी आचार्य ने रोजगार, फाका और महंगाई पर हुकूमत को घेरा। मेरा वोट मेरा हक के तहत पूर्णिया में पहली बार हक राय दही का इस्तेमाल करने जा रहे नौजवान वोटरों में जोश नजर आया। और लोक आस्था का महापर्व चैती छठ का चार रोजा अनुष्ठान आज नहाए खाए के साथ शुरू। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब।